हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपोनेंट एंड कनेक्टर क्या होते हैं। तो दीज आर द टू मेन एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट एंड कनेक्टर आर्किटेक्चर व्यू ऑफ ए सिस्टम। तो ये जो है कंपोनेंट एंड कनेक्टर, ये आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ ए सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। मतलब कि जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने का, उसमें जो दो मेन एलिमेंट्स यूज होते हैं वो होते हैं कंपोनेंट एंड कनेक्टर। कंपोनेंट एंड कनेक्टर व्यू डिस्क्राइब्स अ रन टाइम स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। तो जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, उसका जो रन टाइम स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करता है कंपोनेंट एंड कनेक्टर व्यू। इट शोज दैट व्हाट कंपोनेंट एग्जिस्ट व्हेन द सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग एंड हाउ दे इंटरेक्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। और ये जो कंपोनेंट कनेक्टर व्यू है, ये शो करता है कि कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जब सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे। यानी यहाँ पर हम रन टाइम की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स हाउ अ सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है ये डिस्क्राइब करता है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स में। बट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके चाहें कि पता करें कि क्या स्ट्रक्चर, क्या आर्किटेक्चर होगा सॉफ्टवेयर का, तो हम नहीं पता कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओनली एक्सप्रेस इम्प्लीमेंटेशन और कोड ऑफ सॉफ्टवेयर। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिर्फ ये बताती है कि सॉफ्टवेयर का कोड कैसे लिखना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बट उसको उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हम नहीं शो कर सकते हैं। तो उस केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम क्या रखते हैं? कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो जो हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसका जो बेसिक या स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कंपोनेंट। इट इज़ एन आर्किटेक्चरल एंटिटी दैट इनकैप्सुलेट्स अ सबसेट ऑफ द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी एंड और डेटा विद एन इंटरफेस इन स्पेसिफाइंग द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स एंड रिक्वेस्ट। तो जो कंपोनेंट है वो एक आर्किटेक्चरल एंटिटी है। मतलब आर्किटेक्चर बनाते टाइम हमें जो एंटिटी यूज होती है वो है जो क्या करता है, सबसेट ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट करता है डेटा के साथ। उसके साथ एक इंटरफेस होगा जो ये बताएगा कि ये जो कंपोनेंट है वो किस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा और किस टाइप की सर्विसेज को वो रिक्वेस्ट करेगा। क्योंकि कोई कंपोनेंट होगा तो वो कुछ सर्विसेज को यूज़ करता है और कुछ सर्विसेज को वो प्रोवाइड करता है। तो इंटरफेस होगा जो ये बताएगा, स्पेसिफाई करेगा कि इसको कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड है और कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट्स आर यूजुअली कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स और डेटा स्टोर्स दैट हैव सम प्रेजेंस ड्यूरिंग द सिस्टम एग्जीक्यूशन। तो कंपोनेंट्स जो हैं यूजुअली कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करना होता है, या डेटा स्टोर्स होते हैं जैसे डेटाबेस है। तो डेटाबेस क्या है? एक डेटा स्टोर है। तो कंपोनेंट्स या तो कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे क्लाइंट और सर्वर, ये हो सकते हैं, या फिर ये डेटा स्टोर्स भी हो सकते हैं जैसे डेटाबेस जो सिस्टम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। इट इज़ ए यूनिट ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इट कैन बी डिप्लॉयड इंडिपेंडेंटली। यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट एक डिप्लॉयमेंट यूनिट है जिसको हम इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर्स पर। इट इज़ ए यूनिट ऑफ रीयूज, यानी कि कंपोनेंट को हम रीयूज भी कर सकते हैं। एक बार कोई कंपोनेंट डिज़ाइन हो गया तो वी कैन यूज इन अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो। कंपोनेंट्स कैन बी स्मॉल एज वन ऑब्जेक्ट और लार्ज एज अ लाइब्रेरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ए कम्प्लीट एप्लीकेशन। कंपोनेंट एक ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट भी हो सकता है और उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीट एप्लीकेशन का एक कंपोनेंट हो सकता है। कंपोनेंट्स प्रोवाइड एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस, ये सब क्या हैं? कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टर्स। फॉर कंपोजिंग अ सिस्टम फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स इट इज़ नेसेसरी दैट दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज
अगर हम चाहते हैं कि कंपोनेंट्स से मिलकर हमारा सिस्टम बने, तो सिर्फ कंपोनेंट्स बनाने से काम नहीं चलेगा कि हमने क्लाइंट्स कंपोनेंट बना लिया, सर्वर बना लिया, डेटाबेस बना लिया। इनको आपस में इंटरेक्शन भी करना होगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, तभी हमारा कंप्लीट सिस्टम बनेगा। तो इट इज़ नेसेसरी दैट दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये ज़रूरी है कि ये कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट भी करें, तभी जाके हमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी पता चलेगी। सो अ कनेक्टर इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक दैट इनेबल्स इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। तो कनेक्टर क्या एक बिल्डिंग ब्लॉक है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, जो ये बताएगा कि कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। कनेक्टर डिफाइंस द मीन्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज कंपोनेंट्स। तो कनेक्टर ये डिफाइन करता है कि किस टाइप से कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कनेक्टर में प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो कनेक्टर के थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट्स के बिटवीन भी कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे अगर एक क्लाइंट है कंपोनेंट और मल्टीपल सर्वर्स से उसे इंटरेक्ट करना है, तो ऐसा भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सिंगल कंपोनेंट जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि सिर्फ बाइनरी कम्युनिकेशन नहीं होता है कि बिटवीन टू कंपोनेंट्स हो, यहाँ पर एन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अ कंपोनेंट में इंटरेक्ट विद अनदर यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स। तो जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, जिसे कह सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स होते हैं। जैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इवेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है, क्लाइंट और सर्वर मिडलवेयर के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स, शेयर वेरिएबल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं, TCP/IP पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सारे क्या हैं, कनेक्टर्स हैं। एग्जांपल अगर हम देखें कंपोनेंट एंड कनेक्टर आर्किटेक्चर का, तो जैसे हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट है, सर्वर कंपोनेंट है और डेटाबेस कंपोनेंट है। ये थ्री कंपोनेंट्स हैं। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज से, और सर्वर जो है डेटाबेस से कम्युनिकेशन करेगा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू, अगर जावा में प्रोग्रामिंग की गई है। यहाँ पर भी सर्वर जो है रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस से पर्टिकुलर डेटा के लिए, और डेटाबेस उसे उस डेटा के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा।